ओके हेलो एवरीवन, आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्या टैली में ही हम लोग को आज आगे पढ़ना है, जिसमें क्या है लेजर्स के बारे में। आज हम लोग बेसिकली मास्टर सब पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है, अभी तक हम लोगों ने कंपनी के बारे में समझा कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है, अल्टर चेंज शर्ट कंपनी, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। फिर हम लोगों ने साथ ही साथ बैकअप रिस्टोर और डेटा पाथ चेंज करना, ये हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, आज हम लोग को बेसिकली मास्टर्स पे फोकस करना है। जब गेटवे ऑफ टैली आती है, कोई भी कंपनी खोलती है, उसमें गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले ऑप्शन मिला है मास्टर्स, उसके बाद होता है ट्रांजैक्शंस, उसके बाद होता है यूटिलिटी, देन रिपोर्ट्स। तो पहले तो आप ये समझ लो ना, मास्टर्स मतलब सबसे पहले दिया मास्टर, यानी सबसे पहले हम मास्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएशन होता है, कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं। देन जब ये मास्टर्स क्रिएट होगी तभी जा करके हम ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे, ठीक है, यानी तभी लेन देन कर पाएंगे। देन फिर यूटिलिटी, आप कह सकते हो ऐसा कि एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे अगर हम लोग सेलफोन मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में लोग मेन फंक्शन क्या होता है मोबाइल का, बातचीत करना। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं फंक्शन के कारण आज मोबाइल आप सेलेक्ट करते हो? आज मोबाइल जब आप सेलेक्ट करते हो तो मोबाइल में आप देखते हो यूटिलिटी फंक्शंस क्या क्या है, इसमें और क्या क्या चल जाएगा। अच्छा, इसमें पबजी चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अच्छा, इसमें क्या नाम है, हॉटस्पॉट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वाईफाई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ब्लूटूथ इसमें चल सकता है कि नहीं चल, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप देखते हो। देन उस फीचर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको खरीदते हो। मेन फंक्शन तो बातचीत करना है, तो उसी तरह से जिस तरह से आप यूटिलिटी फंक्शन वहां कहते हैं, उसी तरीके से हमारे टैली में भी यूटिलिटी फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पे बैंकिंग दिया है। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन मेनली अगर आप सही समझो तो मास्टर्स है, ट्रांजेक्शन है। जब ट्रांजेक्शन हो गया देन सीधे आप जाके रिपोर्ट देखते हो। रिपोर्ट सिर्फ देखना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, हमें करना सिर्फ दो जगह पे, मास्टर्स पे और ट्रांजेक्शंस। यानी घूम फिर के टैली में हम कितना भी माथा पच्ची करें, हमें दो ही चीज़ बस सीखना है, एक मास्टर क्रिएशन, दूसरा ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट्स अपने आप जनरेट होती है। अब बोला तो यूटिलिटीज इज अ एक्स्ट्रा फीचर। अब जैसे कि उसमें रिकन्सिलिएशन होता है, तो रिकन्सिलिएशन आपको करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज क्या पढ़ना है। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं इस असाइनमेंट्स में, असाइनमेंट टू में, इसमें क्या चीज़ करना है, पहले तो कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करना सबको आता है, कंपनी क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक के चार असाइनमेंट में हम लोग ने, 4 डेज में हमने यही पढ़ा है। आज 5th डे में देख रहे हैं क्रिएट फॉलोइंग लेजर्स, है ना, लेजर्स बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हमें ईजिली समझ में आ जाता है वॉट इज लेजर, बट हम अगर नॉन कॉमर्स है तो हमें नहीं समझ में आता वॉट इज लेजर। तो चलिए हम एज अ नॉन कॉमर्स की तरह हम लोग सोच करके देखते हैं कि कैसे लेजर को समझना है। तो यहाँ पे दे रखा है लेजर क्या होता है, लेजर को हम लोग अकाउंट भी कहते हैं। तो ये है क्या लेजर, अकाउंट, या फिर कह दो लेजर इज अ कोड, या फिर कह लो सेक्शन वेयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड एंड सप्लाई द इंफॉर्मेशन। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। अकाउंट में क्या चीज रिकॉर्ड की जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अमित का लेजर बनाया हुआ है, अमित का खाता अपने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो अमित के हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे, फाइनेंशियल लेन देनों को हम नोट करेंगे। जैसे मैं दुकान में चला रहा हूँ, सपोज करो मेरी शॉप है, अब क्या हो रहा है कि आप मेरे से उधार खरीद रहे हो, तो मैं आपका खाता क्रिएट करूंगा ना, कहीं कॉपी में नोट करूंगा कि आप मेरे से कितना सामान खरीद के ले जा रहे हो, और सबका अलग अलग पेज पे रिकॉर्ड करूंगा। जैसे पेज नंबर 1 मैंने पलक को दे दिया, पेज नंबर 2 मैंने आकाश को दे दिया, पेज नंबर 3 मैंने अलाइना को दे दिया, है ना। अब पेज नंबर, अब अलाइना मेरे से कोई लेन देन करेगी तो अलाइना का मैं पेज नंबर 3 पे डिटेल रखूंगा। अब अलाइना मेरे से जो गुड्स खरीद रही है, जो सामान खरीद रही है, जो पैसा दे रही है, उसको मैं हिसाब रखूंगा ना, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो वो है क्या, इन्फॉर्मेशन ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल। अब अलाइना आकर के हमसे झगड़ा कर रही है, ये चीज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को ये भी समझना होगा। चलिए ठीक है सर, लेजर का मतलब कुछ कुछ समझ में आया। लेजर का मतलब क्या होता है सर, सिंपल सी वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं, यानी कि वो कॉपी भी हो सकती है और वो कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक भी मेंटेन कर सकते हैं और मैनुअल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा क्या चीज़, मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैनुअल अकाउंटिंग पहले समझते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, हम लोग कितने लोग के अकाउंट बना सकते हैं, 3 तरह के लोगों का अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट।
तो अगर इसको अगर आप समझना चाहते पर्सन, यानी कि जब भी हम किसी पर्सन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अपने यहाँ, जैसे बैंक, बैंक किसका खाता खोलती है? पर्सन का, हम ही लोग का। तो हम लोग क्या है? हम लोग नेचुरल पर्सन है। राम, अभिजीत, अभिषेक, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल पर्सन में आते हैं। आर्टिफिशियल जैसे न्यू एरा, ICA, टाटा कंपनी, तो इनका खाता नहीं खुलता है क्या? इनका भी अकाउंट ओपन होता है। तो ये सब क्या आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, क्योंकि कोई इंसान नहीं हम जैसे। वो क्या है? वो एक संस्था है जो हम लोगों ने बनाई है, मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कौन आते हैं? जैसे कैपिटल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये सब अजीब अजीब से नाम है, लेकिन इन सभी नाम में एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। कैपिटल तो सबको समझ में आ रहा होगा। कैपिटल मतलब पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए? पूंजी। लोन भी सबको समझ में आ रहा होगा। हम उधार लेते हैं तो लोन। तो लोन भी क्या किसी पर्सन से ना लेते हैं? तो लोन अगर कहीं शब्द लिखा है, इसका मतलब लोन आप किसी से लिए हो, किसी व्यक्ति से लिए हो। या तो आप अपने अंकल, चाचा, मामा, काका से लिए हो, या तो बैंक से लियो। तो बैंक भी एक पर्सन है, और अंकल, चाचा, मामा, काका तो है ही है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट, लोन एक रिप्रेजेंट करता है किसको? किसी व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आपने लगाई है, तो आप क्या हो? इंसान ही तो हो। तो दैट मीन्स ये तीन तरह के पर्सन होते हैं। तो जब भी हम किसी भी राम का चाहे खाता खोल रहे हैं, चाहे टाटा कंपनी का, चाहे लोन का, सर ये सब क्या है? ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। तो वही लिखा है, अकाउंट रिलेटेड टू नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट क्या होता है, या एसेट अकाउंट? जब हम किसी संपत्ति का खाता खोलते हैं, सर संपत्ति क्या होती है पहले तो ये बता दीजिए। तो संपत्ति का मतलब सिंपल सा, एसेट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, जिससे हम लोग रेवेन्यू कमाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक टेम्पू वाला जो टेम्पू चलाता है, उस टेम्पू से वो कमा रहा है, सही है? तो वो टेम्पू उसके लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। सही है कि नहीं सही है? वो जो गन्ने का जो जूस बेच रहा है, उसके लिए वो जो मशीन है जिससे वो जूस निकाल रहा है, वो मशीन उसके लिए क्या है? एसेट है। इवन गन्ना भी उसके लिए एसेट है, गन्ने से भी तो कमा रहा है। एक राशन की दुकान वाला, वो राशन बेच बेच के कमा रहा है, तो राशन भी उसके लिए क्या हो गया? एसेट है। आप जिससे भी आप कमा रहे हो ना सर, वो आपके लिए क्या है? एसेट है। तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रिसोर्स जिससे हम लोग क्या कमाते हैं? रेवेन्यू। क्या कमाते हैं? यू कैन से इनकम कमाते हैं। हालांकि रेवेन्यू इनकम में फर्क होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। अकाउंट रिलेटेड टू टेंजिबल। अब एसेट कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के। एक टेंजिबल एसेट, एक एसेट जो आपको दिखती है, और एक ऐसी एसेट भी होती है जो आप नहीं दिखती है। जैसे टेम्पो, मशीन, ये सब तो दिख रही है आपको एसेट है कि नहीं? दुकान में जो सारा गुड्स रखा हुआ है वो भी आपको दिख रहा है, वो भी एसेट है, टेंजिबल है। लेकिन बहुत सी ऐसी एसेट्स होती है जो आपको नहीं दिखते हैं। तो ऐसी एसेट्स कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। तो टेंजिबल एसेट, अगर हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, लैंड या बिल्डिंग का अकाउंट खोल रहे हैं, तो बिल्डिंग क्या होती है? एसेट है, संपत्ति है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। फर्नीचर जो लगा हुआ है हमारे बिजनेस में, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब क्या एसेट है? ये सब टेंजिबल एसेट है, दिखते हैं हमें, दिखते हैं ना ये सब। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है? जैसे गुडविल। गुडविल एक दिन में नहीं कमाई जा सकती। जैसे जैसे आपकी शॉप पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे आपकी गुडविल बनती जाती है। सही है कि नहीं सही है? या फिर कह लो बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू। लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, सही है? अगर आपको दवाई की दुकान खोलनी है तो अगेन उसके लिए लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको काफी पैसे देने पड़ते हैं। तो जो भी आपने उस पर खर्च किया वो आपके लिए क्या हो गया? मान लो मैंने पेट्रोल पंप के लाइसेंस को लेने के लिए करीबन 10 लाख रुपए खर्च किया, तो लाइसेंस की वैल्यू कितनी आई? 10 लाख। तो वो 10 लाख रुपए की क्या हुई? एसेट ही तो है वो मेरी, उसी की वजह से तो हम कमा रहे हैं। अच्छा, वो दिखती है क्या लाइसेंस? तुम पेट्रोल भराने जाते हो जब पेट्रोल पंप पे, तो लाइसेंस देख के भराते हो? दिखती नहीं सर, वो तो सर बस कागज में होता है। किसमें होता है? एग्रीमेंट कागज, यू कैन से। लीज हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब के सब एसेट है इनटेंजिबल, जिसको हम लोग आगे और स्टडी करेंगे डिटेल में। फिलहाल इतना नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। फिर नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है सर? इसमें कौन सा अकाउंट होता है? अगर हम खाता किससे रिलेटेड, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, खर्चा, सब लोग को पता है दिन भर हम लोग बहुत सारे खर्चे करते हैं,
इनकम भी सबको पता है, अगर पैसा मिल रहा है तो उसको हम इनकम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेंस लॉस इनकम प्रॉफिट का खाता बना रहे हैं तो हम लोग इसको कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल एक्सपेंस लॉस में क्या आता है? जैसे हम कुछ खरीद रहे हैं, परचेज, तो हमारे लिए खर्चा ही तो है। अगर हम सैलरी दे रहे हैं, ध्यान रखना जब सैलरी की बात आती है फटाक से हमारे दिमाग में आता है इनकम, क्योंकि हम लोग एज एन एम्प्लॉय की तरह सोचने लगते हैं। हम लोग यहाँ पे बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस अकाउंटिंग की बात करोगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कंपनी यानी बिजनेस, बिजनेस सैलरी देती है कि लेती है? देती है, तो खर्चा है उसके लिए। मजदूरी दे रही है तो उसके लिए खर्चा है। अगर आग लग गया, दुकान में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जाहिर सी बात है ये क्या है? लॉस है। क्यों? अगर आग लग गई, आपका गुड्स जल गया, तो ये क्या है? नुकसान है ना। अच्छा, नुकसान, लॉस और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? लॉस और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? एक्सपेंस मतलब जिसका हम कल को फायदा उठाएंगे। लॉस एक ऐसी चीज हो गई ना जिसका हम फायदा उठा नहीं पाए या नहीं उठा सकते। हम खर्चा करते, हम पेन खरीद रहे हैं पेन बेचने के लिए, तो पेन खरीद रहे तो खर्चा ना। और खर्चा क्यों किया? क्योंकि हमें कमाना है। लेकिन कोई लॉस करके कमाएगा क्या? बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखते हैं। इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। सेल कर रहे हो, सामान बिक रहा है, तो क्या होगा? इनकम होगी, पैसा आएगा, इंटरेस्ट मिला, बैंक बैंक में पैसा जमा किए हैं उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी क्या हमारी इनकम। डिविडेंड, आजकल सुने होंगे लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड, तो शेयर में पैसा लगाते हो, मान लो मैंने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और कल को कंपनी, टाटा कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में मुझे भी हिस्सा मिलेगा। तो प्रॉफिट में जो मुझे हिस्सा मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक अंश, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया नॉमिनल। कभी एक परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, कहीं सेल्स का अकाउंट बन रहा है, कभी सैलरी का अकाउंट बना रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट बना रहे हो, तो ये कौन सा अकाउंट है? ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो ये मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग। जब हम इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग बेसिकली मॉडर्न कंसेप्ट पे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है अकाउंट का मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है ट्रेडिशनल, पीछे जो अभी पढ़ा ना, इसको हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहते हैं, पुराने जमाने की क्लासिफिकेशन जो आज भी बच्चे पढ़ते हैं। और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग ने जिसको फॉलो किया है। इसने कहा कि अकाउंट तीन तरह के नहीं, अकाउंट पांच तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? पांच तरह के। कौन कौन से जरा देखिए। बिजनेस करने के लिए क्या चीज चाहिए? तो पहले तो कैपिटल अकाउंट ले लो। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट आपको पता है कौन सा अकाउंट माना जाएगा? पर्सनल अकाउंट, पिछले के अनुसार। दूसरा कहता है पैसा कम पड़ेगा, कैपिटल आपके पास पूंजी उतनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? लोन लोगे। क्या लोगे? मान लो आपको बिजनेस करना है, 10 लाख की जरूरत है। कितने की जरूरत है? आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास 6 ही लाख है, तो आप 4 लाख क्या करोगे? लोन लोगे, लाइबिलिटी अकाउंट, समझ गए। नेक्स्ट क्या होता है? एसेट अकाउंट। नाउ व्हाट इज एसेट अकाउंट? अब भैया जो पैसा इतना आ गया, हम लोन लेके पैसा इकट्ठा कर लिए, अपना पैसा भी लगाए, अब क्या करेंगे इससे? हम एसेट क्रिएट करेंगे, खरीदेंगे कुछ। क्या खरीदेंगे? मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे। तो यानी हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एसेट। अब फिर क्या होगा? साथ ही साथ खर्चे भी करेंगे, एक्सपेंस भी होगा, तब जाकर के क्या होगा? रेवेन्यू, या फिर कह लो इनकम आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जैक्टली कहा गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं? पांच तरह के होते हैं, ठीक है। अब जरा मैनुअल अकाउंटिंग जरा ढंग से समझो। जब हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो भी लेन देन होता है, मान लो मेरी दुकान है, आपने मेरे से कुछ सामान खरीदा, मैं सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करूंगा। जिस जहां रिकॉर्ड करूंगा उस कॉपी को क्या कहते हैं? जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल, है ना। जहां पे हम लोग सबसे पहले लेन देन को क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। जैसे आप लोग बिग बाजार या स्पेंसर में कहीं भी कुछ भी सामान खरीदे होंगे तो बिलिंग कर रहा है ना बंदा, तो बिलिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो जर्नल बना रहा है। क्या बना रहा है? जर्नल, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। अब क्या होता है? लेजर। लेजर क्यों बनाए जाते हैं? अब क्या है, सपोज करो, ऐसे समझ लो मेरी दुकान है ना, आप लोग
एक ही कॉलोनी में रहते हो, वहीं पे मैंने दुकान खोल रखी है। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डेज पे मेरे पास आते हो, उधार खरीदते हो, बीच बीच में पैसे भी दे के जाते हो कि हाँ सर एडजस्ट कर लेना। हम भी कह ठीक है बेटा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर जब मंथ खत्म होगा, जब तुम लोग मेरे से उधार लेते होगे, तो मैं एंट्री कहाँ कर रहा हूँगा, उसको लिख कहाँ रहूंगा, जर्नल में, है ना। अब मंथ के एंड में मेरे को वसूली करनी है आपसे, तो मैं क्या करूंगा, एक जगह नाम लिखूंगा, किसका, अलाइना का, कि महीने भर में इसने कितना मुझसे उधार खरीदा। अच्छा 2500 हो गया, बीच बीच में उसने कुछ पैसा भी दिया था, करीबन 1500 दे दिया है, तो अब बचा कितना, 1000। तो मेरे को यानी इनसे तगादा करना है, कितना, 1000। मतलब तगादा मतलब वसूली। उसी तरह से मैं सना का बनाऊंगा, उसी तरह से मैं दीप्ति का बनाऊंगा, उसी की तरह से मैं फलक का, रंजीत का, आकाश का और पलक का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सबका अलग अलग जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, यू कैन से, इसी को हम लोग लेजर कहते हैं, है ना। और लेजर बनाते क्यों, इसका एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, वो क्या है, बैलेंस जानना। और कोई मकसद है ही नहीं लेजर बनाने का, ताकि हमें सभी अकाउंट का क्या पता चले सके। अब आपको लग रहा है सर सिर्फ बैलेंस, सिर्फ सॉरी लेजर सिर्फ हम ही लोग का नहीं, पार्टीज का ही बनाते होंगे, नहीं, लेजर हम कैश का भी बनाते हैं, क्योंकि हमें कैश का भी बैलेंस जानना है। हम बैंक का भी बनाते हैं कि बैंक अकाउंट मेरा कितना बैलेंस बचा हुआ है। हम और किसका खाता बनाएंगे, हम मशीन का भी बनाएंगे ताकि हमें मशीन का ही बैलेंस पता चल सके। हम लोन का भी बनाएंगे ताकि हमें ये पता चले लोन कितना बैलेंस बचा हुआ है। सही कि नहीं सही है? हर चीज का अकाउंट बनता है, ठीक है, आपने ऊपर पढ़ ही रखा है, अकाउंट कैपिटल का बनता है, लाइबिलिटीज का बनता है, एसेट का बनता है, एक्सपेंस का बनता है, और रेवेन्यूज यानी इनकम का भी बनता है। क्लियर? लेजर बनाने के बाद फिर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस करते हैं। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर जब बनाते हैं उसमें बैलेंस निकला ना, तो जोड़ घटाया हमने कि दिन भर पूरे महीने में अलाइना ने 2500 का माल खरीदा हमसे, और बीच बीच में उसने पेमेंट किया, 1500 करीबन पेमेंट कर दिया, घटा उटा के निकाला मैंने 1000 रुपया बैलेंस इनका। सही है? तो ये जोड़ घटाने में दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं भाई। तो बैलेंसेस को चेक करना पड़ेगा, तो ट्रायल मतलब चेक करना। आप लोग मॉल में गए होगे, कोई कपड़ा पसंद आया होगा, आप जाके उसको ट्रायल रूम में ट्रायल किए होगे कि यार सही फिटिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो ट्रायल रूम, यहाँ पे ट्रायल किसका हो रहा है, वहां ट्रायल कपड़ों का कर रहे हो, यहाँ ट्रायल किस चीज का कर रहे हो, बैलेंसेस का। देन ट्रायल बैलेंस हो गया, अब साल के अंत में कंपनी क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है फाइनल अकाउंट, यानी एकदम अंतिम का अंतिम खाता ये, इसके बाद हमें कुछ नहीं बनाना। तो ये साल के अंत में हम बनता है, ईयर एंड पे। इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। सर ये क्यों बनाई जाती है, कंपनियां क्यों बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनता है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है। क्या जानने के लिए, कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पूरे साल भर हमने बिजनेस किया तो इसका क्या रिजल्ट निकला, हमने नफा कमाया कि हमने नुकसान किया, है कि नहीं है। और प्रॉफिट लॉस निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि रॉकेट साइंस है सर जी, एक बच्चा भी बता लेगा। ये मान लो ये मैंने डस्टर खरीदा है, ये डस्टर मैं बेसिकली मिटाने के लिए यूज करता हूँ, मैं उस डस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रेनॉल्ट डस्टर बहुत महंगी आती है। तो ये डस्टर जो है, ये डस्टर मैंने सपोज करो 30 रुपये में खरीदा और इसको मैंने 40 रुपये में बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है। तो ये रॉकेट साइंस है सर जी, एक बच्चा भी मतलब पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो भी समझता है प्रॉफिट क्या होती है। हम जितने में खरीदे उससे ज्यादा में अगर बेचेंगे तो मुझे फायदा होगा, क्यों, इसके लिए पढ़ाई की जरूरत है। लेकिन सवाल उठता है सर अकाउंटिंग फिर इतना मेहनत करके क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमने इस एक एक प्रोडक्ट पे बताया प्रॉफिट, अब पूरे साल भर में तुमने कितना खरीदा, कितना तुमने खर्चा किया, कितना तुमने इनकम कमाया, तो वहां पे साल भर की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, इसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे नहीं, वहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो प्रॉफिट लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए बनाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजिशन क्या जानने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि डवाडोल है, इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो, आर्थिक स्थिति नहीं समझ रहे हो, फाइनेंशियल पोजिशन नहीं समझ रहे हो, तो ऐसे समझ लो हैसियत जानने के लिए, औकात शब्द मत यूज करना, हैसियत, किसी की भी हैसियत जाननी है तो हमें उसके दो चीजों को देखना पड़ता है, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, समझ रहे हो। अगर सिर्फ हम किसी की संपत्ति देख करके उसके हैसियत का अंदाजा लगाएंगे तो गलत है। जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल,
उसी तरीके से हमें उसके एसेट ही नहीं बल्कि उसकी लाइबिलिटीज भी कंपेयर करनी पड़ेगी। कोई इतना बड़ा माला खड़ा है तो वो सारा का सारा लोन पे है और लोन चुका नहीं पा रहा है कि नहीं है? और सारा माला क्या करने वाली है, माला मतलब बिल्डिंग फ्लोर, ओके, उसको जब्त करने वाली है बैंक। तब तो आपकी स्थिति खराब हो गई। और एक बंदे का झोपड़पट्टी है, यू कैन से चलो खपड़ेले का मकान है, टूटा फूटा मकान है, लेकिन वो उसका खुद का है, तो बल्कि उस बिल्डिंग से तो वो बेहतर हो गई क्योंकि उसका खुद का है, संपत्ति है, वो लोन पे नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सिर्फ लो एसेट मत देखिए, उसकी संपत्ति भी, संपत्ति के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज भी देखिए। समझ रहे हैं? तो ये हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। सही, तो घूम फिर के मैनुअल अकाउंटिंग है। अब इसमें सीक्वेंस देख लो, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। ठीक, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा सीक्वेंस गलत है। यहाँ पे लेजर पहले बनता है, पहले हमें लेजर बनाना है। ध्यान रहे, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग ही सीखना है, हम लोग को पहले लेजर बनाना पड़ेगा, यानी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन हम लोग जर्नल एंट्री कर पाएंगे। बाकी सब सी, यानी ट्रायल बैलेंस ऑटो जनरेट हो जाएगा, ये डी फाइनल अकाउंट भी ऑटो जनरेट हो जाएगा, हमें कुछ भी क्रिएट। ठीक, तो ये जिसको हम लेजर बोल रहे हैं ना, लेजर यानी खाता क्रिएट करना, उसी को हम लोग कह रहे थे मास्टर्स। क्या कह रहे थे? तो हम मास्टर्स में जाके सारे लेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री मतलब जब लेन देनों को लिखना होगा उसके, उसे हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं। और फिर मैंने बोला ऑटो जनरेट हो जाएगी, तो ऑटो जनरेट क्या होती है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स अपने आप जनरेट होगी, रिपोर्ट अपने आप बन जाएगी। रिपोर्ट में देखो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे बैलेंस शीट बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, वो सब अपने आप बन जाएगी। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग। कहीं किसी को कोई दिक्कत? चले अब हम लोग समझते हैं लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट लेजर, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड देन लेजर पे एंटर करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो गेटवे ऑफ टैली हम लोग अपनी कंपनी बना रखे हैं, या एक नई कंपनी बना देते हैं। चलिए तो एल्ट के में जाएंगे, यहाँ क्रिएट कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो लेजर बनाने वाले हैं, एक मशीन का और एक क्या बनाने वाले हैं, अमित चतुर्वेदी जी का। ये दो लेजर हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। अब ये क्रिएट का बॉक्स खुल ही रहा है, ओके, सो अब क्रिएट कंपनी का हम कर लेते हैं, न्यू कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। सपोज करो मैंने एक कंपनी बना ली, ओके, स्टेट उत्तर प्रदेश, बाकी फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा, 1 अप्रैल 2020 रखना है, बुक्स बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम रखना है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, इतना तो सब लोग को आता है कंपनी क्रिएट करना। ओके, फीचर्स का बॉक्स खुल रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया, अभी अभी स्टार्टिंग में हम लोग जीएसटी को नो करके चलेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग की दो दो कंपनी ओपन है, हम लोग एक कंपनी को शट कर लेते हैं, शट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl F3, ठीक है, इस कंपनी को शट कर देते हैं। नाउ न्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ओपन है, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे, तो क्रिएशन पे जाएंगे, क्रिएट, यहाँ पे लेजर होता है, ठीक है। लेकिन लेजर क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज जरूर जानना है कि टैली में जैसे हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, दो लेजर हमें पहले से बने हुए मिलते हैं, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, बिल्कुल सही। बाहर आते हैं एक बार, देखो यहाँ पे अल्टर है, अल्टर मतलब चेंज, तो बना रहेगा तभी तो चेंज करेंगे। अल्टर में जाइए, लेजर में जाइए, देखिए दो बने हुए पहले से, एक कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। हम लोग आगे बनाते हैं लेजर। अब देखो यहाँ पे पहले लेजर जो क्रिएट करना है वो किस चीज का, मशीन का, तो चलिए मशीन बनाते हैं। मशीन लिख दिया मैंने नाम में, एलियस। सर एलियस क्या होता है सर, निक नेम, उसका कोई और नाम भी है, मशीन को मशीन ही बोलेंगे। यहाँ एक और चीज बोल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझे।
निक नेम मतलब एक और नाम, जैसे आप इंसान एक ही हो लेकिन आपके दो दो नाम है, बात समझे? तो वही है, निक नेम अगर आपको देना है दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये मशीन को क्या रखेंगे? मशीन का अंडर क्या है? फिक्स्ड एसेट है। अब सॉल्व करता है, सर फिक्स्ड एसेट है क्या? ये पूरी देखिए लिस्ट खुल गई। लिस्ट क्या होती है? ग्रुप्स की। अब दिमाग में तुरंत क्वेश्चन मार्क्स उठेगा कि सर ये ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप को हमें समझना पड़ेगा, ग्रुप ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अंडर ग्रुप में देखिए एसेट है, तो हमने ए डबल एस दबाया तो एसेट आया ना। अब एसेट में आप कौन सा एसेट रखेंगे? करंट एसेट, डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट। तो आपको तो फिलहाल मैं ऐसा बता दे रहा हूँ कि ये सब फिक्स्ड एसेट बोली जाती है। किनको? मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट है। कैसे, क्या है, ये हम लोग आगे और थियरी क्लियर करेंगे। फिक्स्ड एसेट अभी सिर्फ और सिर्फ हमें नेम और अंडर से मतलब है। हमने नेम में मशीन बना दिया, अंडर में फिक्स्ड एसेट डाल दिया। और कहीं कुछ करना है? और कहीं कुछ नहीं करना है, सीधे आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कंट्रोल ए में प्रेस कर देता हूँ, हो गया एक्सेप्ट, बन गया। एक और बनाना, अमित चतुर्वेदी। अमित चतुर्वेदी ये क्या हो गया? सेंट्री। ये हमारे क्या है? हमारे डेटर हैं। डेटर मतलब कस्टमर। क्या है? कस्टमर। तो डेटर, कंट्रोल ए। नीचे अभी मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अभी आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, नेम और अंडर पे, और किसी चीज पे मत ध्यान दीजिए। वो सब नीचे की चीज भी हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। नाउ अब देखिए कुछ नोट्स लिखा है, इसको जो ध्यान से समझिए। इन टैली बाय डिफॉल्ट टू लेजर्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, सबको पता है, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कैश का अंडर क्या होता है? कैश इन हैंड होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का अंडर होता है प्राइमरी। ये बाय डिफॉल्ट दो बने होते हैं, तो हमें इनका तो अंडर ग्रुप नहीं ना डिसाइड करना पड़ा। इनका अंडर ग्रुप क्यों नहीं डिसाइड करना पड़ा? पहले से बने हैं, और टैली ने उसका ग्रुप पहले से डिसाइड किया है। कैश का कैश इन हैंड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का प्राइमरी होगा। वी कैन नॉट डिलीट प्रॉफिट एंड लॉस लेजर, हम प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर डिलीट नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी लेजर है, और प्राइमरी लेजर हम बना ही नहीं सकते, और जब हम बना नहीं सकते तो हम डिलीट भी नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं समझे? वी कैन क्रिएट पृथ्वी, नहीं तो वी कैन डिस्ट्रॉय इट, कर सकते हैं। आज आज हम लोगों ने ऐसे ऐसी चीजें बना रखी हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि हम खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करता, है ना? चलिए वापस आते हैं टॉपिक, वापस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वी कैन नॉट डिलीट, हाँ, लेकिन कैश का जो डिफॉल्ट बना है हम डिलीट कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट प्राइमरी लेजर, तो क्लियर है ना? देखो दो लेजर डिफॉल्ट बने होते हैं। अगर हमें किसी भी लेजर को डिलीट करना है तो अगेन अल्ट्रेशन में जाना, आप सभी को पता है, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए उसके अल्ट्रेशन में जाना होता है। तो यहाँ पे अल्टर लेजर, कौन सा लेजर डिलीट करना चाहते हो? मान लेते हैं हम लोग कैश का डिलीट कर, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है ना। अब देखो अल्ट के साथ डी दबाता हूँ मैं, डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ डी ही तो है, आ गया ना डिलीट का ऑप्शन मैं, लेकिन करूंगा नहीं। लेकिन वापस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यहाँ पे अल्ट के साथ डी नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट डिलीट। इसको कहते हैं हम लोग प्री डिफाइंड लेजर। क्या कहते हैं? ये प्री डिफाइंड है, यू कैन नॉट डिलीट। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रुप अकाउंट ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप एंड अकाउंट ग्रुप हम लोग को बहुत जरूरी है स्टडी करना, क्योंकि जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, सॉरी, जब लेजर हम क्रिएट करने जाते हैं यहाँ पे कुछ भी, तो हमको पता ही अंडर डिफाइन करना पड़ेगा। क्या चीज डिफाइन करना पड़ेगा? ये अंडर, और ये अंडर है, ये इसको बोलते हैं क्या? अंडर ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स पहले से टैली में बने होते हैं, इन सबको समझना पड़ेगा। बैंक अकाउंट क्या होता है, ओसीसी क्या होता है, ओडी क्या होता है, ब्रांच एंड डिवीजन क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको टैली कभी समझ ही नहीं आएगी, ठीक है? और अगर टैली को समझना है तो इन ग्रुप्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखनी है। अब ये ग्रुप्स बनाए कैसे गए, जरा इसको समझिएगा। आपने यहाँ पे पढ़ाया था ना मैं आपको, कितने तरह के अकाउंट होते हैं? पांच। हालांकि टैली ने ये कैपिटल अकाउंट को हटा दीजिए, टैली में जो होता है ना, सिंपल से आप फाइनल अकाउंट बनाते हो ना, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें दिखाते हो? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक यहां से मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीजें दिखाई जाती हैं, बताइए कौन कौन सी चीज? इनकम
सॉरी, पहले एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं ना। और क्या चीज दिखाई जाती है? चलिए ये बना लेते हैं, ये दिखाते हैं। बैलेंस शीट में बताइए कौन सी चीज दिखाते हैं? लायबिलिटी। और क्या दिखाते हैं? ये दो चीजें यहां दिखाते हैं। घूम फिर के इसी को समझो। अब अगर अकाउंट की बात करूं तो मैं पांच नहीं, आपको सिर्फ चार दिख रहे हैं। खर्चा पूरे साल भर में आपको देख, क्या खर्चे होते हैं, इनकम होते हैं, लाइबिलिटी होती है, एसेट होती है। घूम फिर के चार तरह के अकाउंट होते हैं, ऐसे समझिए। अब ये चार ही अकाउंट है। अब इस चार से बने हैं क्या 28? सर ये कैसे बन गए? एक्सपेंस कई तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन। एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पढ़ेंगे हम लोग। इनकम कितनी होती है? डायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना, ये सब पढ़ेंगे। एसेट में फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे क्लासे, इन्हीं चारों को क्लासिफाई करके कितना बनाया गया है? 28। तो वो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि घूम फिर के हमें अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। घूम फिर के हम क्या कहें, और जिसको ये नहीं पता उसे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ग्रुप्स या अकाउंट ग्रुप। आज ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ग्रुप्स को हम लोग कल अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग बस थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रुप, अकाउंट ग्रुप। ग्रुप होता क्या है? ग्रुप इज जस्ट लाइक अ बास्केट वेयर वी कीप सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। जैसे आप किसी फल वाले के पास जाते होगे तो वो फल सेब का है तो सेब को अलग टोकरे में रखता है, संतरा है तो संतरे को अलग टोकरे में रखता है। एक जैसे आइटम को एक जगह रखना, दैट्स इट ग्रुप। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ग्रुप, अकाउंटिंग ग्रुप नहीं पूछ रहा मैं, सिंपल सा ग्रुप पूछ रहा हूँ। इस समय जो इस क्लास में बच्चे बैठे हैं वो एक ग्रुप के हैं, आप सभी लोग टैली के स्टूडेंट हो, और बगल वाली क्लास में एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो एमबीए के स्टूडेंट्स उनका ग्रुप है, आपका ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, दैट्स इट। ग्रुप इज जस्ट लाइक अ बास्केट, दिस इज क्लास इज जस्ट लाइक अ बास्केट वेयर वी कीप सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। यू ऑल आर नॉट आइटम, यू ऑल आर इंडिविजुअल्स। छोड़िए, वापस आते हैं। इन टैली बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स। बाय डिफॉल्ट कितने ग्रुप्स होते हैं? कई लोग 34 ग्रुप्स भी बोलते हैं। 34 कैसे हो जाते हैं? विद एलियस। याद है मैंने बोला था एक चीज को दो नाम से पुकार सकते हो, तो छह ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके दो दो नाम होते हैं, तो इसलिए 28 छह 34 दिखते हैं। जैसे हम लोग बताओ क्लास में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को मिला के 8 लोग हैं। लेकिन अगर हम बोले नाम कितने हैं, मेरा एक ही नाम है, आपके एक नाम है, एक ही नाम है, आपका 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 नहीं, इन द सेंस क्या घर में कुछ और बुलाते हैं, यहाँ पे कुछ और बुलाते हैं, तो दो नाम एक होते हैं। चलिए आपका आकाश, चलिए गुड। आपका 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 तीन है, लो तीन वाले भी हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 2 5, यानी कि तीन लोग ऐसे हैं, चलो तुम्हारा दो ही लेते हैं, तीन लोग ऐसे जिनके दो दो नाम है, तीन लोग हैं जिसने दो दो नाम है, तो यहाँ पे 8 लोग हैं लेकिन 11 नाम है। तो बताओ रियल में हैं कितने लोग? 8 की 11, 8 ही लोग हैं, दैट्स इट। तो वही चीज समझा रहा है कि 28 ही ग्रुप है और 6 ऐसे ग्रुप है जिनकी वजह से 34 दिखते हैं बट होते 28 ही हैं, आर ऑलरेडी क्रिएटेड, जिसमें 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी होती है। 28 में भी कहानी है, इसमें भी 15 प्राइमरी सेकेंडरी 13, ऐसा ये क्या होता है? यह देखना यहाँ पे, ये चार को जब क्लासीफाई किया गया तो 15 बने, 15 को भी जब क्लासीफाई किया गया तो 13 और क्रिएट हो गए, तो क्लासिफिकेशन हुआ है, देन अगेन क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे हम लोग लिखते नहीं कहीं थ्योरी हेडिंग, फिर उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर भी फिर सब हेडिंग, ले पढ़ते रहो। तो ये है, ठीक है, समझ गए। अब सॉल्यूट देखेंगे कैसे, हाउ टू चेक व्यू कैसे करेंगे, ग्रुप कैसे देखेंगे। तो ये पुराना स्टाइल है, पुराने तरीके से बताया हुआ है, मैं आपको नए तरीके से बता देता हूँ। देखना है तो सीधे अल्टर में जाइए, बन इसमें चेंज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स हैं। यहाँ पे अगर काउंटिंग करोगे तो 34 दिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ, लेकिन है एक ही चीज, बैंक ओडी का एलियस है बैंक ओसीसी। जैसे देखो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो या एक्सपेंस डायरेक्ट बोलो, एक ही चीज है, लेकिन यहाँ दिख रहा है अलग अलग, ठीक। वैसे 6 ग्रुप आपको मिलेंगे। और कोई तरीका सर? ये चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, यहाँ पे भी हम ग्रुप्स देख सकते हैं, ये ग्रुप्स दिख रहा है,
सही है। और कोई तरीका सर? यहाँ देखो साफ साफ लिखा भी है 28 ग्रुप्स। कोई तुमसे लड़ाई करता? नहीं, 34 ग्रुप होते हैं। वो यहाँ से दिखाएगा पक्का, वो यहाँ से तुम्हें दिखाएगा। सॉरी, ग्रुप्स में जाना था ना, वो यहाँ से काउंट कराएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे कर करके पूरा करेगा। और फिर कहेगा तो इतने 31 हो गए, यहाँ तक 31 है और तीन और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो अब तुमको उसके सामने प्रूव करना है, नहीं 28 ही होते तो कैसे करोगे? सीधे ले आओ चार्ट ऑफ अकाउंट पे और यहाँ सीधे ग्रुप्स पे ले जाओ, एंटर कराओ। कह दो देखो मैं नहीं, टैली ने खुद लिख रखा है कितने ग्रुप होते हैं, 28। क्लियर? उससे भी नहीं सेटिस्फाई होता है तो उसको स्टैट्स दिखा दो। क्या तो स्टैट्स में तो बिलीफ रखते हो ना? तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ होता है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे देखो ग्रुप्स के सामने कितना लिखा है, ग्रुप्स 28 होते हैं। बाकी लेजर दो ही होते हैं, दो मैंने अभी भी बनाए इसलिए चार दिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका समझ में आ गया मेरे ख्याल से। बस ग्रुप के बारे में कल स्टडी करेंगे, आज नहीं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, सो टुडेज क्लास इज ओवर।